नोटिस करेंगे तो जैसे घुसते साथ आपको पियानो ब्लैक फिनिश, ये पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे, तो ये ब्लैक में थोड़ा सा उभरता हुआ दिख। गुलाब जामुन और आइसक्रीम। आज के ब्लॉग की शुरुआत डी मार्ट से कर रहे हैं। पापा फिलहाल रायपुर आए थे और आगे का जो प्लान कुछ है अशोका बिरयानी वगैरह सब का भी, तो जैसे जाते हैं तो मैं आगे आपको बताऊँ। और आज मैं आपके लिए क्विक लेंस में रेनो काइगर का जो मूनलाइट सिल्वर ऑप्शन है और इसके नए अपडेशन जो आए हैं उस पर हल्का सा आपको झलक डाल दूंगा। तो सबसे पहले ऑन रोड प्राइस से शुरुआत करते हैं। मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी कीमत रखी गई है 9,80,000 रुपीज़। और ये जो वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं ये RX-Z वेरिएंट है और इंजन जो है वो नॉर्मल वाला इंजन है जो कि 72 BHP का पावर निकाल के देता है। तो सबसे पहले फ्रंट में आप नोटिस करेंगे तो जैसे घुसते साथ आपको पियानो ब्लैक फिनिश वाले टच के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और जो एक डिफरेंस आया है वो ये पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये ब्लैक में थोड़ा सा उभरता हुआ दिख रहा है। ये इस कलर पे क्यों रखा गया है तो आप नोटिस करेंगे क्लोज बाय जैसे मैं दिखाता हूँ तो हल्का सा जो स्नेक पैटर्न रहता है जो उनकी चमड़ी रहती है उससे मेल जोल करने के लिए ये कुछ बनाया गया है। और एक लेंस आप देख रहे होंगे तो दूर से वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और बाकी वही सेम आपको सेंटर इन्फोटेनमेंट सिस्टम कुछ इसी प्रकार से मिलता है जिसमें एसी के वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं और कंट्रोलिंग यहाँ सिस्टम मिलेगा। और ये जो है ये 5-speed गेयरबॉक्स के साथ आता है। सीट भी आप नोटिस कर लेगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पंजी और रेड कलर के स्टिचिंग के साथ मिलता है जो कि मैं एक पैमाने में देखूं तो अगर आप 70-80 kg के ऊपर नीचे आसपास हैं तो आपके लिए बहुत सटीक साबित होगा। और इसके अलावा साइड के जो पैटर्न है उसमें पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर टच मिलता है और दूसरा जो पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ से लहर ख़त्म होते हुए आपको डोर्स के ओपन वाले जो सिस्टम दिए हुए हैं उसमें भी आपको वहीं पर मिलेंगे। फिर टायर सेक्शन और बाकी अट्रैक्शन वही आपको सेम एज यूजुअल मिलता है। साइड का लुक साथ ही साथ मैं टैली कर लेता हूँ तो रेनो काइगर के इस मूनलाइट सिल्वर में बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि ये जो प्यारा सा ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ रूफ रेल्स में भी आप देख रहे होंगे तो ये मिड कॉम्बिनेशन ब्लैक और जो बॉडी कलर है उसके हिसाब से मेंटेन किया है जिसमें आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि जो शार्क फिन एंटीना वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। और हल्की सी डिटेलिंग आप देख रहे होंगे तो यहाँ ऊपर भी आपको ब्लैक कलर मिला है और ये सेम एज इट इज़ ये दोनों आपको बॉडी कलर में मिलते हैं और इसी कारण से ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पोर्टियर लुक लगता है। जिसका बैक का लुक आप देख रहे होंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है जिसमें ये वाला पोर्शन रात को मैंने वीडियो बना चुका है, इसका अट्रैक्शन आप ज़रूर देखिएगा जो कि हल्का सा स्टैंड आउट इस व्हीकल को रात को ज़रूर ये बनवाता है। देता हूँ जिसमें लॉक अनलॉक ऑप्शंस हैं और यहाँ पर पीछे जैसे आप देख रहे होंगे तो रेनो का लोगो मोनो मिलता है। सो इस प्राइस रेंज के हिसाब से और एक छोटा अपडेशन आपको कैसे लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने इस पर बेहतर माइलेज अचीव किया है तो वो बता दीजिएगा क्योंकि मैं लगभग माइलेज 17-16 इसमें निकाल पाया हूँ। अगर आपने अच्छा स्मूथ राइडिंग किया है और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको ज़्यादा माइलेज निकला है तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ताकि दूसरे जो बायर्स हैं वो अगर व्हीकल खरीदें तो उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सलाद डिश सूप के तौर पे और स्टार्टर का ऐसा है कि सूप के साथ अटैच हल्का सा क्रिस्पी के लिए डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज का मेन्यू कुछ ऐसा था और स्टार्टिंग जो अभी अपन खा रहे थे वो चिकन मंचूरियन सूप, उसके बाद का लिस्ट पॉज करके वीडियो एक बार देख लेना और डू कम एंड विजिट। मैं तो ले लिया बफे सिस्टम का पहला वाला तो चिकन दम बिरयानी का स्टार्टिंग है और चिकन मसाला और आप अभी लेकर आ रहे हैं तो क्या क्या लाभ फिश का कोई लाभ होगा आइटम फिश करी। सो डेजर्ट के साथ जो एंड हुआ है वो गुलाब जामुन और आइसक्रीम और दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। जितना गर्म रहता है उतना जब पिघल के आता है ना तो इट्स टेस्ट फेली जाए।